अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्टाफ नर्स आत्महत्या मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर परिजनों में रोष पनपा हुआ है। मृतका नर्स मोनिका के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलने पर अब हमीरपुर डिग्री कॉलेज के छात्र भी सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करने लगे हैं। हमीरपुर गांधी चौक पर दोपहर के समय डिग्री कॉलेज हमीरपुर के कुछ छात्र छात्राओं ने मृतक मोनिका की मौत के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग की। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्टाफ नर्स आत्महत्या के मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर परिजनों में रोष बना हुआ है। मृतिका नर्स मोनिका के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने पर अब हमीरपुर डिग्री कॉलेज के छात्र भी सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करने लगे हैं। हमीरपुर गांधी चौक पर आज दोपहर के समय डिग्री कॉलेज हमीरपुर के कुछ छात्र छात्राओं ने मृतक मोनिका की मौत के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मृतक मोनिका की ननद कशिश ने बताया कि मृतक मोनिका को आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार वार्ड सिस्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि गलत बात है कि इस तरह स्टाफ से प्रताड़ना का शिकार नर्स होती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आरोपी पर नहीं हुई है, इसलिए गांधी चौक पर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। गौरतलब है कि गत 4 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका ने अपने सीनियर वार्ड सिस्टर की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और मृतक मोनिका ने अपने सुसाइड नोट में सीनियर वार्ड सिस्टर की प्रताड़ना आत्महत्या के लिए कारण बताया था। इस मामले में पुलिस के द्वारा अभी तक कुछ वार्ड सिस्टर से पूछताछ के अलावा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाए जाने पर परिजनों के द्वारा न्याय की मांग कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगर भाभी नहीं भी होते शायद हम तब भी स्टेप उठाते, क्योंकि ये बहुत गलत है। किसी की वजह से किसी की जान जा रही है और वो भी बिना किसी रीजन के, ये बहुत गलत बात है। ये इतने प्रेशराइज हो गए थे, इतने ज्यादा टॉर्चर हो गए थे हॉस्पिटल के स्टाफ से, उनकी वार्डन के स्टाफ से, कि इन्होंने सुसाइड कमिट किया। और इनका एक बेटा है छोटा 5 साल का। ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों के बारे में ना सोचे। ये इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने बच्चे के बारे में भी सोचा और सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन, उसका क्या लगता है आपको? वो ठीक नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा? पुलिस ठीक कर रही है, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे होंगे। वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। अगर हमारी एक छोटी सी स्टेप से भी अगर कोई इंसाफ मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग बहुत अचीव समझते हैं खुद को कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं। क्या इंसाफ क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो इस चीज के गुनाहगार हैं उनको जल्दी से गिरफ्तार करें। हम ये चाहते हैं इस रैली के माध्यम से जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, जो और भी टॉर्चर हो रहे हो। हम अगर ये रैली निकालते इसकी वजह से कोई और टॉर्चर हो रहा हो तो वो चीज़ रुक जाए।